हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक जीरो डेट फ्री कंपनी बताऊंगा। अभी ये बहुत छोटी कंपनी है भाई, ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न देने वाली कंपनी है। आप लोग अगर इस कंपनी में पहले से पैसे लगा के रखे होंगे तो भैया इस समय आपका अच्छा खासा पैसा बन रहा होगा, आगे भी आपका पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप लोग कैपिटल निकालना चाहते हो तो आप लोग खुशी खुशी अपना कैपिटल निकाल लीजिए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। अगर ये कंपनी आगे चल के लार्ज कैप कंपनी बन गई तो आप करोड़ों रुपया बना लोगे। और एक बात मैं आप लोग को खुल के कह देना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है भाई जिसमें करेक्शन नहीं होता है, कंसोलिडेशन नहीं होता है। जो अभी स्टॉक चल रहे हैं ना, वो आगे नहीं भी चलेंगे। जैसे एप्पल इंडिया 6 गुना होने के बाद अभी चल नहीं रहा है, लेकिन जब चला था ना तो सीधे 6 गुना। डिक्सन 12 गुना होने के बाद अभी देख लो स्टॉक घूम रहा है। एल्कल माइंस 12 गुना होने के बाद देख लो स्टॉक नहीं चल रहा है। तो जब भी किसी कंपनी में तेजी होती है तो खूब चलता है, और जब नहीं चलता है तो नहीं चलता है। लेकिन फिर जब चलते हैं ना तो उसी रफ्तार में चलता है। लेकिन जब नहीं चलता है तो आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं कहां पे फंस गया। क्योंकि जो लोग भी पैसे लगाते हैं, हम हो या आप हो, वो चाहते हैं कि वो स्टॉक हमेशा चलता रहे। और मैं रिटेल इन्वेस्टर को देखा हूं कि रिटर्न प्रोफाइल देख के पैसे लगाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप अगर रिटर्न प्रोफाइल देख के पैसे लगाएंगे तो जब स्टॉक चल जाएगा, अच्छा खासा रिटर्न बना के दे देगा, तो ही ना आपको रिटर्न प्रोफाइल अच्छा दिखेगा। अभी इंसुलेशन एनर्जी चलेगा, अच्छा खासा चल जाएगा, 400-500 का हो जाएगा। श्रीवास्वी एडेसिव 300-400 का हो जाएगा, ऑन डेस्टिनेशन 300-400 का हो जाएगा। तो आपको रिटर्न प्रोफाइल अच्छा दिखेगा, तभी जाके आप लोग पैसे लगाएंगे। तो भैया अगर आपको पैसा लगाने का मन है तो आप रूल को फॉलो कीजिए और पैसे लगा दीजिए। लेकिन आप लोग तो रिटर्न प्रोफाइल देख के पैसे लगाते हैं, और आप लोग चाहते हैं कि मैं जिस कंपनी पैसे लगाऊं वो हमेशा चले, मैं जो भी कंपनी खरीदूं उसमें करेक्शन ना हो। इसी चक्कर में आप लोग फंस जाते हैं। और आप लोग ये कहीं मत सोचिए कि जो अभी छोटी कंपनी चल रहा है, ड्रोन डेस्टिनेशन चल रहा है, इंसुलेशन चल रहा है, वो हमेशा चलेगा। ऐसा भाई कुछ नहीं होने वाला है। 15-20 साल रखोगे तो ही जाके आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। तो भैया ये जो कंपनी है उसका नाम है निंटेक सिस्टम लिमिटेड। ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है भाई, हाई रिस्क हाई रिटर्न देने वाली कंपनी है, जिसमें अगर आप लोग ने पैसा लगाया होगा तो इस समय आपका अच्छा खासा पैसा बन रहा होगा। पर अच्छा खासा पैसा उन्हीं का बन रहा होगा भाई जो इसे लंबे समय से होल्ड कर रहे होंगे। बड़ा जो पैसा बनता है वो लॉन्ग टर्म में ही बनता है। मैं कंपनी पे पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग को मैं पुराने वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। तो ये वीडियो मैं 24-22 को बनाया था। यहाँ पे आप थल में देख सकते हो भाई क्या लिखा हुआ है। शेयर का दाम 50 रुपया है। बीप्रो, इन्फोसिस, TCS सबका बाप बनेगा। महंगा होने से पहले बाई कर लो। तो भैया जो लोग भी उस समय बाई किए तो आज के डेट में अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। पर देखिए पैसा उन्हीं का बन रहा है ना जो खरीद के भूले हैं। किस प्राइस से वीडियो बनाया हूँ आप लोग को मैं वीडियो प्ले करके भी दिखाना चाहूंगा। तो ये वीडियो मैं 49.70 रुपया पे बनाया था भाई। व्यू जो था भाई वो 19,481। तो जो लोग भी उस समय बाई किए आज के टाइम में अच्छे खासे पैसे बना रहे होंगे। अभी तो भैया कॉर्पोरेट एक्शन भी हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो बोनस हुआ है भाई। 4:5 का बोनस दिया गया है। रिकॉर्ड डेट 3 अगस्त 2023। कल बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए कि सर निंटे के मुझे नुकसान हो रहा है। तो भैया देखो बोनस हुआ है, आपको इतना भी पता नहीं है। 4:5 का बोनस हुआ है। रिकॉर्ड डेट 3 अगस्त 2023, और उससे पहले भी एक बार कॉर्पोरेट एक्शन हो चुका है 2022 में। स्प्लिट एक बार भी नहीं हुआ है। तो भैया इस कंपनी की जब से लिस्टिंग हुई है 2 बार कॉर्पोरेट एक्शन हो चुका है। तो पैसे किनके बने भाई? किन्हीं का तो पैसा बना होगा ना, उसमें से आप लोग का भी नाम होगा। पर पैसे किन के बने, सबसे बड़ी बात है भाई कि पैसे किन के बने। पैसे उन्हीं के बने जो चुपचाप खरीद के बैठे हुए हैं 2016 से। सबसे बड़े पैसे उन्हीं के बने हैं, उनका नहीं बना। जो डेली डेली पोर्टफोलियो देखते रहते हैं, 5% 10% प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। आप लोग को ये तो पता होता है कि किसी ने इन्फोसिस से पैसा लगाया तो आज के टाइम में करोड़ों रुपया बन रहा है, अरबों रुपया बन रहा है, लाखों रुपया का डिविडेंड मिल रहा है। पर ये सब चीज भैया रातों रात तो नहीं हो रहा है।
30-35 साल लगे हैं। क्या आपके पास है 30-35 साल? है तो भैया बता दो। जिस भी कंपनी में तेजी होती है वो चलते रहता है। और आप लोग ये सोचते हैं, जो रिटेलर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि बहुत हो गई है तेजी या फिर मुझे इंतजार करना चाहिए। तो भैया देखो, मैं तो इस मार्केट में बहुत दिनों से काम कर रहा हूं, मैं अपने आंखों के सामने बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी को बड़ी कंपनी बनते हुए देखा हूं, एस्टल पाइप, एपीएल अपोलो, ट्यूब जैसी कंपनी को बड़ी कंपनी बनते हुए देखा हूं, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनी को चलते हुए देखा हूं। तो जो लोग ये सोचे कि एचडीएफसी बैंक कितना चलेगा, कोटक महिंद्रा बैंक कितना चलेगा, बजाज कितना चलेगा, पिडिलाइट कितना चलेगा, वो तो भैया छूट गए। और जो नहीं चला, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, नहीं चला तो नहीं चला, लेकिन वो भी जब चलेगा ना 10 सालों का रिटर्न कुछ ही महीनों में बना के दे देगा, तो पैसा तो बनेगा, पर उनका बनेगा जो चुपचाप खरीद के भूलेंगे, जिनके पास पेशेंस होगा। पर जब कोई रिटेलर मार्केट में आता है भाई ना, तो उसको जल्दी रहती है, तो कभी इसको बाई करता है तो कभी उसको बाई करता है। तो शायद आपको पता नहीं है कि कभी बड़ी कंपनी पैसा बनेगा तो कभी छोटी कंपनी पैसा बनेगा, तो कभी नैनो कैप कंपनी पैसा बनेगा, कभी आईटी सेक्टर कंपनी पैसा बनेगा, तो कभी एफएमसीजी कंपनी पैसा बनेगा। तो आप जो भी कंपनी खरीदें भैया, आप उसे खरीद के भूलिए ना। गैलेक्सी बेरिंग खराब कंपनी है, ना हिंदुस्तान फूड खराब कंपनी है, ना बजाज फाइनेंस खराब कंपनी है, ना टाइटन खराब कंपनी है। आप चलने का इंतजार क्यों नहीं करना चाहते हैं? टाइटन पे मैं हर दिवाली वीडियो बनाता हूँ, पिछले 5 सालों से शुरू से वीडियो बना रहा हूँ। तो टाइटन है भैया, 5 साल पहले भी पैसा बनता था, 10 साल पहले भी पैसा बनता था, अभी भी पैसा बना, फिर 2-3 साल रुकेगा, फिर से चलेंगे। लेकिन अगर आप गॉड बनने कोशिश करोगे कि टाइटन कब चलेगा, हिंदुस्तान फूड कब चलेगा, सीडीएसएल कब चलेगा, निंटेक कब चलेगा, या फिर निंटेक क्यों इतना चल रहा है, तो आप पैसे कभी नहीं बना पाएंगे। पिडिलाइट चलते चलते लार्ज कैप कंपनी बन गया, बजाज चलते चलते लार्ज कैप कंपनी बन गया, और लोग देखते रह गए। निंटेक का भी मार्केट कैप क्या है भाई, 757 करोड़ का मार्केट कैप है। और मैं जब फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था तो उस समय इस कंपनी का मार्केट कैप क्या था, अभी मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 51 करोड़ का मार्केट कैप था, और अभी क्या है मार्केट कैप, 757 करोड़ का। 51 करोड़ से 757 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। और आप लोग इस कंपनी का ग्राफ देखिए कि स्टॉक किस तरह से चले हैं और किनके पैसे बने हैं। तो भैया ये है इस कंपनी का ग्राफ जब से इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है। तो आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, 2016 में जो प्राइस था भाई वो 4 रुपया था, 2016 में जो प्राइस था भाई वो 4 रुपया। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कॉन्टेक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। और 2019 में 2 रुपया, मतलब ये स्टॉक आधा हो गया। लेकिन बीच बीच में कई बार ये स्टॉक ऊपर आया, आप यहाँ पे देखो, 4 रुपया से 7 रुपया, 8 रुपया, फिर 9 रुपया भी बीच में गया, 10 रुपया भी गया, फिर से 7 रुपया भी आया, फिर से 9 रुपया हुआ, 9 रुपया 85 पैसा हुआ, फिर 7 रुपया भी हुआ, फिर 6 रुपया भी हुआ, फिर 2 रुपया भी हुआ। तो मान लीजिए कि किसी ने इस कंपनी का शेयर 10 रुपया में खरीदे, जब 2 रुपया हो गया भाई, तो जिनके पास पेशेंस नहीं होता है वो तो निंटेक को बेच दिए। और फिर आप देखिए यहाँ पे 2 रुपया से 10 रुपया, तो जिनको भी लगा कि मैं 2016 में इन्वेस्टमेंट किया था, 4 रुपया में खरीदा था, स्टॉक का प्राइस 2 रुपया हो गया, मुझे क्या मिला। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है ना कि जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चाहते हैं कि एफडी के तरह मुझे रिटर्न मिलता रहे, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो पैसे बनेंगे वो बल्क में बनेंगे। तो जिनको भी लगा कि भाई मेरा 2-3 साल 4 साल समय बर्बाद हो गया, स्टॉक वहीं पे घूम रहा है, वो तो भैया बेच के निकल गए। और एक बात और, जब ये स्टॉक नहीं चल रहा होगा तो रिटर्न प्रोफाइल भी घटिया होगा, लेकिन जो रिटेलर होता है भाई वो तो रिटर्न प्रोफाइल देख के पैसा ही लगाता है, तो खरीदा भी नहीं। और मैं जब वीडियो बनाया तो ये स्टॉक किसी को बहुत चला हुआ लग रहा होगा, जब 50 रुपये के प्राइस में वीडियो बनाया 24 जून 2022 को, तो कई लोग कमेंट किए कि बहुत छोटी कंपनी है, 51 करोड़ का मार्केट कैप है, ये है वो है, फलाना है डिकाना है। पर भैया मैं उसी समय खुल के बोल दिया था कि आप रूल को फॉलो कीजिए, तो जो रूल को फॉलो किए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, वो पैसे बना रहे हैं। और करेक्शन कंसोलिडेशन ये सब जिंदगी भर चलेगा,
आप लोग अगर इसके लिए तैयार नहीं है तो पैसे मत लगाओ। और ये जीरो डेट फ्री कंपनी है, मैं शुरू से ही आप लोग को बता रहा हूँ। तो भैया जो लोग भी बेच दिए अभी उनका क्या हाल हो रहा होगा, पर जो होल्ड किए ना वो बड़े पैसे बना रहे हैं। और ये भैया एडजस्टेड प्राइस है, एडजस्टेड प्राइस कुछ दिन पहले ही कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, अभी मैं आप लोग को दिखाया भी आप यहाँ पे देख सकते हो 2 बार कॉर्पोरेट एक्शन हो चुका है। तो जिनके पास ये पेशेंस नहीं है, आप पैसे ना लगाएं, आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, आप फिर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं, प्रॉपर्टी खरीदें, एफडी करें, जो करना है आप वो कीजिए, लेकिन स्टॉक में आप पैसे ना लगाएं, क्योंकि स्टॉक में पैसे जो है बल्क में बनेंगे। आप कुछ भी खरीद लो बल्क में ही पैसे बनेंगे, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, जब चलेगा तो फिर आप उसे खरीद नहीं पाओगे। और एडजस्टेड प्राइस क्या आएगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बोनस हो चुका है। तो 24 जून 2022 को मैं वीडियो बनाया था, तो उसके हिसाब से क्या प्राइस आ रहा है, तो 27 रुपया भाई प्राइस आ रहा है। तो भैया मैं इस कंपनी में फर्स्ट टाइम वीडियो 27 रुपया के प्राइस पे बनाया था, और अभी देख लो 408 रुपया प्राइस है एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से। और भी इस कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन होगा, बोनस स्प्लिट होगा, तो जो लंबे समय तक होल्ड करेगा वो पैसा बनाएगा। डायनेमिक केबल देख लो भाई, वो भी स्टॉक 2-3 साल नहीं चले, उसके बाद देख लो चल ही रहा है। तो जब भी किसी कंपनी में तेजी होती है तो खूब चलता है, कहां तक जाएगा ये आपको पता नहीं है, पर आप एक रूल को फॉलो कीजिए, स्टॉक अगर डबल होता है आप अपना कैपिटल निकाल लो। मान लीजिए किसी ने इस कंपनी का शेयर 4 रुपया के प्राइस में खरीदे, स्टॉक जब 8 रुपया हुआ तो अपना कैपिटल निकाल लिया, टेंशन फ्री हो गए ना। अब वो टेंशन फ्री हो गए तो लंबे समय तक होल्ड कर लिए, और जब आप लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो पैसा तो बनेगा ही। तो आप लोग भी रूल को फॉलो कीजिए, जिस भी कंपनी में आपके पैसे डबल हो रहे हैं, छोटी कंपनी में, लॉट वाली कंपनी में, आप अपना कैपिटल निकाल लीजिए, स्टॉक को फ्री कर दीजिए, जहां जाना होगा जाने दीजिएगा। कंपनी अगर अच्छी निकल गई तो आप बड़े पैसे बना लोगे, और अगर कंपनी नहीं चली तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो अपना कैपिटल निकाल लिया। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं एकदम बॉटम पे बाई करूंगा, टॉप पे सेल करूंगा, ओवरबाउट है, ओवरसोल्ड है, ये है वो है, तो भैया आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप ट्रेडर हो। दिन भर बाई करो सेल करो, बाई करो सेल करो, कितना पैसा बनेगा मुझे भी पता है। और आप लोग बड़े जो इन्वेस्टर है ना, जो 30-35 सालों से काम कर रहे हैं, आप लोग उनकी बातें सुनिए क्या बोलते हैं। रामदेव अग्रवाल सर हैं, और भी काफी सारे लोग हैं भाई, फंड मैनेजर हैं, और कई लोग ये भी कमेंट करते हैं कि मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ। भैया अगर निंटेक अच्छी कंपनी है तो बार बार वीडियो क्यों ना बनाऊं। मुझे अगर इंसुलेशन एनर्जी अच्छी कंपनी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक चलेगा, तो भैया मैं आपको बता रहा हूँ। और जब चलना स्टार्ट किया तो मैं बताया भी, और मैं खुद भी तो खरीदा ही हूँ। हम कुछ सिलेक्टेड स्टॉक पे वीडियो बनाते हैं, आपको अगर बोरिंग लगता है भैया तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है कि मैं आपको एंटरटेन करूंगा। आपको अगर एंटरटेन होना है तो आप बिग बॉस देखिए। अभी लोग मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे, उनको इंटरडे टिप्स फ्री में दिया जाएगा। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल नहीं पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाएं, तभी जाके आपका पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। धन्यवाद।